नमस्कार, आज जो मूवी लगने वाली है वो संस्कार मूवी लगने वाली है, जो पीआर फिल्म से आने वाली है, जिसमें संजय सलोड़े जी हैं और काफ़ी भी और एक्ट्रेस भी हैं। मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ पिक्चर का कुछ नज़ारा, मतलब किस प्रकार से ऐसी फिल्म होने वाली है, और आप ज़्यादा संख्या में यहाँ आकर जुड़े और इस फिल्म को सभी पर शेयर करें और अपने दोस्त मित्रों को जरूर से जाएं और इस मूवी को ज़्यादा देखें, क्योंकि आने वाली पीआर फिल्म से और आपको एक नया चीज़ मिलने की देखने को, क्योंकि ये उत्तराखंड की बेहतरीन फिल्म है जिसको देखने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आने वाले हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप जरूर इस पर एक बार विजिट करें पीआर फिल्म से जो फिल्म आने वाली है, और उसका नाम है संस्कार। संस्कार अपने जैसे हमें जो उत्तराखंड के लोग हैं, हमें संस्कार संस्कृति जब कोई भी लोग हैं संस्कार संस्कृति से जुड़े रहते हैं, और उसको देखने के लिए सभी लोग पहुँचे। आज हम संस्कार की चीज़ें देखने वाले हैं। इस छोटे से जो हॉल है यहाँ पर, ये एसोसिएशन है कोई, तो वहाँ पर पहुँचे हैं, और जैसे आंध्रा एसोसिएशन से हम वहाँ पर पहुँचे हैं, और जैसे लोधी रोड के अंदर है साईं बाबा के मंदिर के जस्ट बगल में, और आज का दिखने वाला कैसा होने वाला का प्रोग्राम और पूरा शूट करने की कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी आधा बताने करते हैं, पहुँचे यहाँ पर जस्ट समय पर और करते हैं पूरा शूट। थैंक यू सो मच, ओके बाय। संस्कार मूवी है, और धीमे धीमे करके यहाँ पब्लिक का क्राउड नजर भी आता रहेगा, और हम दिखाएंगे आपको किस प्रकार से। नमस्कार जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। मिलेगी बदल मिलेगी,
है बीचों बीच में आते आ रहे हैं और अच्छा माहौल बना पड़ा है और दिख रहा है यहाँ पर किस प्रकार से लोग आ रहे हैं। बच्चे बड़े कैसे हैं, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया। और आज की मूवी शानदार होने वाली है, उम्मीद यही है और अच्छा लगेगा क्योंकि सभी से मूवी आप आए और जरूर देखें, हमारी उत्तराखंड को प्रमोट करें। थैंक यू सो मच, आपका बहुत धन्यवाद। यहाँ पर तो यहाँ देखिए जा रहे हैं और यहाँ पर संजय रात हो रहा है और पी आर फिल्म के जो सारे हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और भीड़ नजर आ रही थी मेरी और मैं चाहता हूँ मस्ती गाने सभी को दिखाऊं। ये हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता, यहाँ पर एक संस्कृति एक सभ्यता है कि नहीं, दोनों चीज यहाँ पे मिल गया थोड़े। तो यहाँ पर संस्कार की मूवी आप देखने वाले हैं, संस्कृति की सभ्यता यहाँ है तो संस्कार मूवी मिलकर देखेंगे लड़के, तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। तो एक अलग ही अनुभव है। कलाकार यहाँ हमारे बीच में और हम चाहते हैं कि सबको दिखाया जाए, सभी उपस्थित लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं मानगढ़। और ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर काफ़ी भीड़ है जो ट्री ब्रेक्स के साथ साथ देखिए यहाँ पर ट्री ब्रेक्स जो है थोड़ा सा पहले आने से पहले से पहले चाय का नाश्ता किया जा रहा है और सभी को चाय पी जा रही है। हमारे बीच में है सागर भाई, संस्कार मूवी और यहाँ से है क्राउड जो पूरा धीमे धीमे करके पूरा पहुंच रहा है यहाँ पर उपस्थित हो रहा है। देखिए ये वो क्राउड है जो धीमे धीमे करके बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। सर नीचे की सीटें सारी फुल फुल हो रही है लेकिन ऊपर का पता नहीं। पहुंचे हाथ जोड़िए, नमस्कार जी, नमस्कार सभी उपस्थित गणों को। बिल्कुल जी, बहुत बेहतर तरीके से सभी लोगों को किया जा रहा शूट। स्थापित करने में प्रेम सिंह और राजेंद्र भट्टी ने एक कोशिश की है कि उत्तराखंडी फीचर फिल्मों के निर्माण के लिए कुछ किया जाए और आज उन्होंने एक नई फीचर फिल्म का निर्माण किया है जिसका नाम है संस्कार। और इस फिल्म के लिए आपकी तालियां उनको बधाई देती हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि प्रेम सिंह जी, प्रोड्यूसर प्रेम सिंह जी और राजेंद्र भट्ट के भी अब बन चुके हैं। बंधुवर, एक जमाना था
5 मई 1983 5 मई 1983 को पहली फिल्म जवाब बनी थी। और जवाब बनी थी, उन्होंने एक ऐसा पौधा लगाया, आज एक बनी, फिर 5 साल में एक बनी, फिर 6 साल में एक बनी। बड़ी संघर्ष के साथ उत्तराखंडी फीचर फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ और है भी। उन्होंने उस जमाने में इतनी मेहनत करके, जब आदमी को पेट के लिए गुजारा नहीं होता था, लेकिन समाज के लिए उन्होंने भूखा रहकर फीचर फिल्मों का निर्माण किया था। ये था 80 के दशक की बात। 80 के दशक के बाद 80 के दशक में फीचर फिल्म बनाए, उनसे प्रेरणा लेकर तो मैं बता रहा हूं बात आपको कि आज हम यहां पे खड़े हुए हैं। तो ये जो इन लोगों का एक बहुत बड़ा सहयोग है कि उत्तराखंड से पहला व्यक्ति है जिसने भी दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव लड़कर महासचिव पद प्राप्त किया है हमारे बीच। और जिला हमारे बीच मौजूद है, बुलाएंगे मनोज सिंहवाल, पीएससी मनोज सिंहवाल के पेयरमैन से आए। आदरणीय श्री मनोज ध्यानी जी, डीआईजी मनोज ध्यानी जी, राजेंद्र मिश्र जी एसीपी, और आगे राजेंद्र मिश्र जी एसीपी हैं, वे आज जिस थिएटर में हम मौजूद हैं दिल्ली में, और पीएम हम आपका विशेष आभार व्यक्त करते हैं। शशि भूषण जी कृपया मंच पे आए। उद्यमी हैं, उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आदरणीय कमल जोशी, आदरणीय कमल जोशी प्रोड्यूसर मसक बीन चैनल के हैं, मसक बीन स्टूडियो के कमल जोशी हैं। और कमल जोशी उत्तराखंड फिल्म जगत का एक जाना पहचाना चेहरा है, ये हमारे बीच मौजूद हैं, और हम सर आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया आज दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में इस कार्यक्रम को शुरू कर हम आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। आइए दीप प्रज्वलन कार्यक्रम शुरू करते हैं। अपने पहाड़ के लिए हमेशा सतत प्रयास में रहते हैं कि हम इसे क्या हो सकता है। ये दीप प्रज्वलन पीआर फिल्म प्रोडक्शन की एक नई फिल्म संस्कार का आज पोस्टर लॉन्च एवं टीजर कार्यक्रम में आप सभी का विशेष रूप से आमंत्रित करते हैं। हम दोनों या दीप जगत ज्योत चलने जा कि भगवान ये ज्योत का घर भगवान कह रहे ना रक्षा नहीं हो दीवी नाम के कुटेश्वर का भी हर फसल की नौ नौ चक्की पन्नो भगवान चुगरा रहे ना फिर ना तना नौ नौ जवान जवान कुटे सब प्यार में प्यार रोम में तो फल तो बल बल ये ज्योत चले जाओ अरे ज्योत का ऐसा सब कुछ भरी बोझ हो रहा। और इसके बाद मैं गुजारिश करता हूँ कि सभी अतिथिगणों से कृपया डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। Yeah.
सर? कैसे सर? बढ़िया, आइए, आपका स्वागत है यहाँ पर। तो 30 के एवरेज मांगे चलो। अच्छा, ज़्यादा महंगा नहीं, 30 के एवरेज। तो ये सब पहाड़ी ग्राफ जो हम अपना केटरिंग सर्विसेज लोगों को तक देते हैं, आज हम यहाँ पे संस्कार फिल्म की लॉन्चिंग के लिए आए हैं। और आज अभी बस लॉन्चिंग स्टार्ट होने वाली है, टीज़र हम लॉन्च पीआर प्रोडक्शन फिल्म के द्वारा टीज़र लॉन्च किया जा रहा है आज, और फिल्म भी जल्दी आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी, हमारे समक्ष यहाँ बैठे हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, यहाँ पर गायिका सिंगर पहुँच जाते हैं तो एक अच्छा माहौल बन जाता है। और कैसे हैं आप, देखिए कितने बेहतरीन। और चलिए, आपका स्वागत है आज है। बहुत बड़ी तादाद में आज यहाँ पर संस्कार फिल्म के कास्ट यहाँ पर मौजूद है, जिसमें हमारे बेहतरीन कलाकार हमारे साथ बहुत खूबसूरत होने जा रही है। उससे पहले कि कलाकारों का आपसे रूबरू कराया जाए, मैं निवेदन करूंगा लाइक सेक्शन को क्लिप पीआर फिल्म का एक क्लिपिंग दिखाया। इंट्रो फिल्म शिवानी भंडारी, अंकिता परियार, आनंद सिलसिवाल, हर्ष खत्री, बी एस नेगी, कुलदीप अशोक, राजेंद्र भट्ट, आनंद चोरेमोन और बहुत सारे कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने भी एक एंट्री मारी है इस फिल्म में, जो भी आप देखेगा करें। थैंक यू। लाइक्स क्लिपिंग प्लीज। गायन गाथाओं का गुणगान एकमात्र रेडियो के द्वारा किया जाता था, फिर हमारे टीवी कार्यक्रमों ने इसे एक और गति प्रदान की। समय का एल्बम एवं फिल्मों ने अपार सफलता अर्जित की, इसी से प्रेरणा दिलाना भी जनता द्वारा हमें प्राप्त हुई है। आज हमें यहाँ कहते हुए अपार गर्व महसूस होता है कि पीआर फिल्म प्रोडक्शन फीचर फिल्मों की ओर भी अग्रसर हो रहा है।
उपाध्यक्ष गढ़वाली कुमाऊनी चौरसारी अकेडमी दिल्ली सरकार हमारे बीच है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। कुलदीप भाई किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं उनके बारे में, क्योंकि बोलने बैठूंगा तो मेरे ख्याल एक घंटा मुझे चाहिए होगा कुलदीप भाई जी के बारे में। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए, बने रहिएगा हमारे बीच। इसी क्रम में हमारे बीच कुछ हमारी संस्थाएं यहाँ पर मौजूद हैं जिनके वो प्रतिनिधि यहाँ पर हैं। श्रीमान उदय मंगाई राठी जी हमारे बीच है, कृपया मंच वाले कष्ट करें। श्री सुभाष गुसाई जी हमारे बीच है, कृपया मंच पाने कष्ट करें। प्रभात मिश्र जी हमारे बीच है, मंच पाने कष्ट करें। नरेंद्र मिश्र जी है, प्रभात मिश्र और नरेंद्र मिश्र दोनों आए हुए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। व्यवसायी है, कृपया मंच पाने कष्ट करें। आरपी जी खिंडिया जी हमारे बीच है, इंदिरापुरम से मंच पाने कष्ट करें। हमारे बीच है उत्तराखंड एकता समिति की ओर से, प्रकाश मिश्र जी हमारे बीच है मादरी फिल्म के, नीमा भंडारी जी हमारे बीच है, कृपया मंच पर आने का स्वागत करें। ऋतु बिना तरह से ढोकते और देखिए कोई भी आदमी बहुत बोलना नजर नहीं आएगा आपको, उसका कारण ही है कि रात दिन समाज के लिए खपते हैं, दिख रहे हैं व्यक्तित्व से ये इन हमारे जाबाज सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए एक सुंदर शेर मैं पढ़ना चाहूंगा, फिराक और पुरी का है। तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुम को देखे या दो को सराहे, तुम मुखातिब भी हो करीब भी है हो, तुम को देखे या तुम को सराहे, जोड़ना था इन सबके लिए। जी प्रथम पंक्ति में बैठे सभी गणमान्य से निवेदन है कि पहले मंच पे आने का कष्ट करें प्लीज। राणा जी अतिथि देवो भव का अभी एक चरण बाकी रह गया, श्रीमान कुलदीप भंडारी जी का मैं चाहूंगा जोरदार तालियां कुलदीप भंडारी जी के लिए। कामधेनु रामलीला जो दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ रामलीलाओं में से एक है, जिसको वो लड़ते हैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, सतत लड़ते हैं और हमसे भी लड़ते हैं, वैसे मुहैया कराइएगा। अब ये संस्कार फिल्म का खूबसूरत ये पोस्टर आज यहाँ पर जी कमल जोशी जी भी ज्वाइन करेंगे इस रश को, आगे ब्रिजवान उपेटी लीजिए। 5, 4, 3 संस्कार जोरदार ताली। पीआर फिल्म प्रोडक्शन हमारे दीर्घा जो हमारे प्रेस दीर्घा के लोग हैं, कृपया इसको अच्छी तरह से रचा बसा लीजिए। बहुत सुंदर नाम से शुरू किया है संस्कार, पहली फिल्म है और उसका नाम इतना खूबसूरत है, निश्चित तौर पर पहाड़ का संस्कार। हमारे माता पिता तुम्हारे बेटी
रजनी है, उत्तराखंड के सुपर स्टार है, कि तब आप कह सकते हैं शानदार एक अच्छा चोरी चोरी खीसा पर और बटवा से पैसा निकालना बहुत बुरी बात है। क्या एक दिन इतना रुपया कमाऊं ना कि मेरा हर खिस्सा मर बस रुपया रुपया मर। थानेदार अब लोगों तुम्हें तेरी मवाशी थार ये गलती फिर नहीं करेगा। कैना सिंह जमीर नो कैना सिंह ये को खाना बोल दो ना शोनी को मुखपत्र द्वारा न पड़ जाए पर कालू कहीं फल आई समझ के बात चल जा। ये झूठी इज्जत और ये झूठो ठाट बाट आप अपना वो ईमानदारी का द्वि पैसा देना अपनी कुठियारी में बांध के रख सब कुछ पैसा छ कैना सिंह जिम्मेर नो रात का गहना जो चल दिन में दिखलाई दो उसे अब कानून के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। मेरी बात सुन माँ, मेरी बात सुन। What? Okay, शाबाश, good luck. हर काली रात के बाद सुबेर जरूर होता। मेरे बालपन की यादों ने और बचपन की यादों ने तुम्हारी हिम्मत कराए हुए कैना सिंह ट्रक पकड़ने की तुम
लुकाउन नहीं चाहूँ, सिर्फ और सिर्फ जिताना चाहूँ। हम तो ये ना खेल खेलो ला ना कि हर बार नॉकआउट। सबको बुला लो चल तो बंधुओं, तेरे पे खुशी है, एक बार जरा जोर से बोल दे, सब हाथ खड़े करें, फिल्म कैसे लगी आपको? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फायदा हो चाहे नुकसान हो, तो इसमें इसकी हम उसमें विजयी हुई है। बंधुओं, अब मैं बुलाना चाहूंगा कलाकारों का था फिल्म 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 और बात हैं कि फिल्म एक रोजगार कलाकार के नए दिन सुनहरी जवानी सुनहरा समय व्यतीत कर दिया और साधुवाद के पास। अगला नाम मानवी, वो नाम है जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया है उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री को, भगवान भैरवनाथ पर बधाई को। संजय सिरोड़ी, कृपया मंच पर। संजय सिरोड़ी जय फण के पंपर शाहरुख खान बोला पंद्रह के बोले नहीं बढ़की, लेकिन छवा क्या माँ बहुत ही सुंदर कलाकार का, बहुत ही अच्छा कलाकार का। और बंधुओं, ये लोग वह हैं जिन्होंने 20-20 साल जिंदगी गुजार दी और जीवन के सारी समर्पित कुछ सिर्फ फिल्म लेने में काम करते हैं। तालियों से गड़गड़ होनी चाहिए। जहां तक मेरे लिस्ट में नाम है, शायद रमेश रावल जी यहाँ आए लेकिन अभी नहीं आए हो, लेकिन उनके लिए पहले जरूर बजाय रमेश रावल जी के लिए। और बहुत खूबसूरत अभिनेत्री है और कला के लिए समर्पित है। और हमारे बीच मैं ऐसा अभिनेत्री का नाम लेना चाहूँगा कि जिनको दोनों भाषाएं बड़ी पारंग है, गढ़वाली हो चाहे कुमानी हो, और आजकल जौन सारी अंकिता पटेल। और भाई जयती जी पहली हीरोइन टैर जाना कोई नाम के लिए यहाँ, और जो अभी नए नए ये फिल्म क्षेत्र में ही जा और तीन चार फिल्मों की बढ़िया काम करी जा कि बुनकिया के भाई बुला हो गए थे। बहुत ही सुंदर कलाकार और उत्तराखंड से के लिए बहुत ही सुंदर उपहार पूनम सकलानी के ब्रह्म मंच में। पूनम सकलानी के ब्रह्म मंच में। और अगर मुझे नाम निर्णय हो, बी एस नेगी जी के ब्रह्म मंच में आए हैं क्या? बी एस नेगी अब देख लिया साफ करना लंबा चाहिए, ये उपड़ेंगे जो चाह कि कैमरा को पकड़ का विकल्प छोटे बड़े आने जी हाँ। और उसके बाद गोपाल राव गबरू ऊर्जा बहुत बुरी होती है जो को गोपाल राव गबरू बच्चों से तारे साल जरूर बुलाए थे तारे से स्वागत। अगर अमित डोरेमोन हो तो कृपया मंच पे आ जाए। अमित डोरेमोन, मोहित चौधरी और प्रशांत कृपया मंच पे आए और आप लोगों की तालियां ही हमें यहाँ मिलती है कम्युनिटी में। और इसी क्रम में जो है वो है मेहमान कलाकार। और मेहमान कलाकार भंडबोल देना, मेहमान कलाकार ने भंडबोल देना जो आन चाह अरे ये छाप छोड़ जाना सर सब जान ले अभी कब बनवा दो तो जी हाँ। आजकल हमारे बीच बहुत ही सुंदर एक कला नियत स्थान बनाया बोला अजय बिष्ट अध्यक्ष गेस्ट अपीयरेंस में शशि भूषण नेगी जी, प्रेम सिंह नेगी जी, आदरणीय श्री शशि भूषण नेगी जी का मंच में जब जिसका कहीं नाम नहीं होता, जिसका कहीं चेहरा नहीं होता, बहुत सुंदर, कितना सुंदर एक्टिंग की है भाई फलानी ने, कितना बढ़िया मन कमाल हो गया, लेकिन उस कमाल के पीछे किसका हाथ है? उनके लिए तालियां बहुत जरूरी बननी चाहिए। चुनी जी कहानी पढ़ता समझे पदम रसाई जी हैं, बहुत ही सुंदर लेखक हैं। और बलवा ये जो पर्दे के पीछे जो हैं बहुत ही जबरदस्त जो है कि ये कलाकार भी हैं, कलाकारी भी पाले और जिनके संगीत के स्वरों से उत्तराखंड फिल्में सज रही हैं और जिनकी उंगलियां वीणा के तार को छेड़ती हुई सीधा स्कंद प्रिय को जाती हैं, उस वीणा के तार को आगे बढ़ाते हुए संगीतकार संजय कुमार के पैमाने पर। और बंधुओं, इतना सब कुछ होते हुए भी लेकिन एक चीज ऐसी होती है कि मनोज सभी जी डीओपी हमारे बीच हैं, उनके लिए ताली जरूर बजनी चाहिए। अरविंद नेगी जी हैं,
और स्टिल फोटोग्राफी बलवर सीखा तो कोई नहीं है। तो बैंक अगर कोई फोटो रह गई उसको होता क्या है, मैंने काला कोट पहना है कि मैंने कल कौन सा कोट पहना था, वो बताता स्टिल फोटोग्राफी की तेरा काला कोट ही है। तो उस बात को नजरअंदाज करने के लिए बहुत ही अहम पंकज चंदानी। कार्यकारी निर्माता इसके राजेश मालगुड़ी जी हैं जो पहले हमारे मंच पे आ चुके हैं। कामा और इन संपादन इन काम का बिना जी हाँ संपादन मनीष ने संपादन पुनः बढ़ते पिया मंच पे आए दी बहन कट्ठा बैठे सुना और छुरी लगाने सुना ये भुनी दीदी कहते आदि हो सब कुछ है पर बहुत फिल्म पड़ा पर कंधा करी दोनों निर्माताओं की धर्म पत्नियां हैं, इनका सहयोग बहुत जरूरी है। कैन वाला बल जबर है बला की और निर्देशक प्रेम रावत और राजनीति के मंच पे आए, मैं आपका विशेष से आभार व्यक्त करता हूं। और बंधुवर प्रेम रावत जी पिछले 20 साल से इस काम पे लगे हैं और ये एक कोई दो बार नहीं, प्रेम रावत जी ने अनेकों फिल्में अपने परिश्रम को गौरव आभार धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। बनवर आप लोगों से गुजारिश है कि जरूर इस फिल्म को देखें और अपने साथ किसी और को बुलाएं, तभी ये दूसरी फिल्म बना सकते हैं। तो बनवर आप लोगों से गुजारिश है, बिल्कुल जी जान से जुटे हैं तो आप भी थोड़ा सा, हम ये बस जी जान से नहीं लेकिन जान से तो जुड़ जाओ मेरे दोस्तों और अपनी बोली भाषा को बचाओ। 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए दिल्ली में कई हमारे ये उत्तराखंड लोक भाषा मंच इसके लिए लगा है साहित्य की तरफ से और पढ़ने की तरफ से ये लोग लगे हुए हैं, एक बार जोर से। अब मैं आज आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जो कुछ है ये है गुजारिश है आखिरी बार प्रेम सिंह और राजेंद्र भट्ट की ब्रज राव की राजनीति की और टीम की बंधुवर तो इस मुसीबत और इस संघर्ष के उभारने के लिए इन्हें जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अगर आप फिल्म देखोगे तभी ये जिंदा है, वरना ये बनाएंगे जरूर लेकिन फायदा क्या होगा, जिस समाज के लिए बना रहे उस समाज के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग एक के साथ जरूर जरूर दिखाएं और पूरी भाषा को, और मैं एक ही उम्र के हैं बल्कि मेरे से बड़े हैं, तो बाकी टीम से मैं गुजारिश करूंगा कि फिल्म लग रही है। सबसे पहले तो आपका शुभ नाम मैं जानना चाहूंगा, तो पहले रेडिकल सबसे पहले आपका शुभ नाम। मेरा नाम पूनम सकलानी है। तो आज का जो मूवी है ये कब तक आने वाली है और कौन कौन से हॉलों में आने वाली है? ये दिल्ली NCR में आ रही है सबसे पहले और 20 तारीख के लगभग ये आने वाली है। और मैं सभी उत्तराखंडी लोगों से गुजारिश करूंगी कि सभी इस फिल्म को देखने आएं। और फिल्म का नाम है संस्कार। संस्कार मतलब एक फैमिली फिल्म है, बहुत अच्छी। इसमें दो बेटों की कहानी दिखाई गई है, एक विधवा माँ का स्ट्रगल दिखाया गया है कि जब उनके पति खत्म हो जाते हैं उसके बाद वो अपने बच्चों का कैसे भरण पोषण करती है, कैसे उन्हें बड़ा करती है। बस इसीलिए ये फिल्म है। आइए सभी और अपने बच्चों को भी दिखाइए और सभी लोग आइए। अच्छा सर, इस फिल्म से और क्या प्रेरणा मिल सकती है जी कि हम लोग को जागरूक होते हैं उत्तराखंड लोग जो जागरूक हो? प्रेरणा इससे ये मिल सकती है कि संस्कार मतलब एक माँ ने अपने बच्चे को किस तरह से संस्कार दे के बड़ा किया है कि घर के संस्कार होते हैं। बच्चा अगर आगे चल के अच्छे पद में जाता है, अच्छी पढ़ाई करता है, अच्छी शिक्षा देता है, समाज के लिए अच्छे कार्य करता है, तो पहले
शिक्षक कहते हैं कि उसकी माँ ही होती है, बिल्कुल। तो इसमें दो भाइयों की कहानी बताई गई। एक बेटा बहुत संस्कारी होता है जो माँ के सिखाए पे चलता है, और दूसरा बेटा होता है वो थोड़ा गलत संगत में पड़ के गलत रास्तों में चल जाता है। तो मैं यही इसमें मतलब संस्कार से भरा जो भी है, तो काफी अच्छी ये मूवी थी, काफी अच्छा इसका ट्रेलर जो हमने टीजर देखा था वो बहुत बढ़िया दिख रहा था। तो हम यही रिकमेंड करेंगे कि जितने भी लोग हैं उत्तराखंड वासी जरूर से देखें, मैं कहता हूँ उत्तराखंड भी देखें और नॉन उत्तराखंड भी इसे जरूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत चीज समझाई गई है कि बारीकी चीज दिखाई गई कि संस्कार क्या चीज होता है। पहले तो लोग संस्कार से भटके हुए हैं आजकल, क्योंकि जब तक हमें संस्कार के बारे में पता नहीं चलेगा तब हम उस कार्य पर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज देखो एक माँ को अच्छी शिक्षा बच्चे को देती, दोनों बच्चों को एक बराबर शिक्षा दी, लेकिन एक बच्चा बिगड़ गया और एक बच्चा अच्छे पोस्ट पर गया। एक बच्चा हाँ बिगड़ा कि जो बाहरी लोग हमारे संगत इसमें मतलब एक प्लान का भी जाता है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो हमारा भूमि का लोग बाहर के लोग हमारे उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं, वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं हमारी जमीनों को लेके, क्या नहीं कर रहे, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा वातावरण है, हम लोग उसमें दूषित हो रहे हैं। बाहर के लोग जा रहे हैं और गलत काम, वहाँ पर भूमि माफिया है, ये शराबी माफिया है, तो उनके चंगुल में कहीं ना कहीं लालच में आके गरीब घर के बच्चे फंस जाते हैं और वो गलत रास्तों में चले जाते हैं। तो अभी और क्या कहना चाहोगे, जैसे ये लोगों को कहना चाहोगे इस फिल्म को कितने लोग देखना चाहिए, कितना करोड़ होना चाहिए जब ये दिल्ली में आएगी या जगह जहाँ भी आएगी? हर घर में माँ है, हर घर में पिता है, और हर घर हर घर की हर माँ हर पिता यही चाहता है कि हमारे बच्चों के अंदर संस्कार आए। बिल्कुल, इस फिल्म में संस्कार भी है, दिखाया गया है माँ के प्रति बच्चे का प्यार, बच्चे के प्रति माँ का प्यार, समाज के प्रति। एक जब बच्चा बड़ा होता है, एक इंस्पेक्टर बनता है, तो समाज के प्रति भी वो कार्य करता है। तो सारा कुछ ही इसके अंदर है, आप आएंगे जब देखेंगे समझ आएगा। तो कमिंग सून ये भी है जो बहुत जल्द आने वाली है, आपके नजदीकी हॉलों पे आने वाली है जी, दिल्ली NCR में ये फिल्म लगने जा रही है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आई, और आज जब प्रोमो लॉन्च हो रहा था तो बार बार वंस मोर हो रहा था। तो एक डायरेक्टर के लिए वंस मोर तब है जब आप फिल्म देखने हॉल तक आए और अन्य को भी कहें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, तभी एक निर्देशक, एक डायरेक्टर और एक टीम का हौसला तभी अफजाई होता है जब आप लोगों का और प्यारी प्यारी जनता का सपोर्ट मिलता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपने कीमती समय दिया और आपने कुछ यहाँ के बारे में बताया संस्कार के बारे में, बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर, और मैं चाहता हूँ सभी लोग इस मूवी को ज़्यादा संख्या में आकर देखें। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सबसे पहले अपने नाम से रूबरू कराइए सबसे। मेरा नाम आशीष रावत है, मैं नोएडा रहता हूँ और मैं समाज सेवक में हूँ और कोशिश पूरी करता हूँ कि अपनी संस्कृति को हम ऐसे आगे बढ़ाते रहें, और कोशिश पूरी करते हैं कि अपनी बोली भाषा और अपनी, जैसे बेजवाल जी ने बोला कि अपनी फिल्म इंडस्ट्री है, इसको हम बचाए रखें और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। तो आज इस फिल्म में आपको क्या मजा आया, क्या अच्छा लगा कि लोग उसको ज्यादा ज्यादा देखें? पहले तो मैं प्यास फिल्म्स का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा, उन्होंने आज टीजर लॉन्च है, पहला उनका प्रोजेक्ट है संस्कार। इससे पहले तो आपने काफी उनकी वीडियो यूट्यूब पे देखी होंगी और काफी इन्होंने अच्छे अच्छे गाने दिए हैं, चाहे वो मीना गारण जी के साथ हो, पिंका मेहर हो, और उनका पहला प्रोजेक्ट है संस्कार। और इसमें हमने देखा कि बहुत अच्छे से उन्होंने बखूबी, हमने जो टीजर देखा जो 10 मिनट का हमने देखा, उसमें हमें लगा कि काफी उन्होंने इससे मेहनत करी है पूरी टीम के साथ। जैसे कि बेजवाल जी बोले, 0 डिग्री में उन्होंने शूट करा नवंबर दिसंबर में, जहाँ पे बिल्कुल ही टेम्परेचर ऐसा होता है कि बिल्कुल आपको ठंड, आपको वो भी वेदर को भी देखना है। उसके बाद पूरी टीम है, पूरी टीम का मैं सभी आदर धन्यवाद, इन्होंने इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं और आगे इसको लेके जा रहे हैं। अच्छा, आपको ये टीजर पर अगर आपको नंबर का अगर दिया जाए तो कितने नंबर देंगे, अगर 100 में से या 10 में से आप क्या नंबर दोगे? फर्स्ट प्रोजेक्ट अगर मैं देखूं इनको, प्रेम जी का पहला प्रोजेक्ट जो मूवी का है, इसका मैं दूंगा आउट ऑफ, मैं 8 दूंगा। क्या बात है, आपने काफी अच्छे नंबर दिया और काफी अच्छा है कि इसमें अगर जब मूवी देखेंगे तब क्या कहूँ की लोग इसको और से देखें, और आशा करो प्रेम भाई और भी ऐसी मूवी लेके आए और अच्छी हमारे उत्तराखंड कॉन्सेप्ट को लेकर कोई एक मैसेज भी दे। जैसे संस्कार इसमें देखा गया है कि बताया गया है कि आपके संस्कार क्या होते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपका जो आशीर्वाद है उसको कैसे अपनी डेली रूटीन में उसको अपनाएं और आगे बढ़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपने संस्कार के बारे में बताया, अच्छा लगता है कि ऐसे आप लोग अनुभव मिलते हैं और हमारे कार्य को रहता है हमारे। मैं देखता हूँ हमारे कितने भी कवरेज होते हैं दिल्ली NCR में, भाई बिल्कुल कहते हैं न्यूछावर है इस चीज के लिए, और निसंदेह उसमें आते हैं और अपनी हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं,
अपने YouTube चैनल के थ्रू, और मैं उनको बोलूँगा यूके पहाड़ी ब्लॉग्स, यूके पहाड़ी ब्लॉग्स, आप प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए सबसे पहले अपने नाम से रूबरू करिए और आज की मूवी के बारे में बताइए, कैसी लगी आपको? मेरा नाम अनिल सिंह रोहतांग और मैं देवभूमि स्पोर्ट्स मार्केटिंग फाउंडेशन, जो युवाओं के लिए काम कर रही है दिल्ली एनसीआर के अंदर स्पोर्ट्स, उसका राष्ट्रीय संगठन प्रभारी हूँ। और आज ये इस प्रोडक्शन की फिल्म देखने के लिए हम यहाँ पे प्रोमो देखने के लिए आए हैं। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा लगा कि आज हमारे उत्तराखंड के जो युवा व्यवसायी हैं या युवा सोच वाले लोग हैं जो आगे आ रहे हैं और इस तरह की फिल्मों को बना रहे हैं, बहुत ही शानदार फिल्म बनी है प्रोमो देख के। अगर आपको नंबर देने के लिए कहे जाए तो इस टीजर में कितने नंबर आप देंगे 10 में से? नंबर तो आने वाले टाइम में फिल्म बताएगी कि कितने नंबर मिलेंगे, तो फिल्मों में आप टीजर को कितना देंगे? जो टीजर दिखा रहे हैं अच्छा है, करीबन 9 तक मिलने चाहिए, क्योंकि काफी अच्छे ढंग से जो है इसके प्रोमो दिखाए गए हैं, तो बहुत शानदार लगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कीमती समय दिया और आपने हमें बताया इसके बारे में, थैंक यू सो मच। ये जो यहाँ पर आज कलाकार है जो आज यहाँ कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि देखूँ किस प्रकार के शूट से और बहुत बेहतरीन तरीके से ये मूवी है जो बहुत सत्कार मूवी है, जिसके जिसमें एक पुलिस का एक्टर अदा किया है उन्होंने और काफ़ी अच्छा इसी तरह से करते रहे और आगे भी इस मूवी को बहुत सारी वो मिले। तो सबसे पहले नाम से है? नाम पहले सबसे पहले थोड़ा पीछे नाम बताइए अपना। हाँ, मैं भोपाल सिंह बिष्ट। तो आज की मूवी में आपको क्या मजा आया, क्या देखा, क्या मतलब क्या प्रेरणा मिलती है सब लोगों को? अभी तो मूवी का तो अभी पूरा जब देखेंगे तभी पता चलेगा। तो टीजर में क्या मतलब समझ में आया? टीजर में पता चला, ये मुझे ये चला कि शायद माँ के किसी बच्चे को जो संस्कार दिए हैं, एक बच्चे को जो संस्कार दिया वो पुलिस वाला बनता है, दूसरा बच्चा शायद वो गलत संगत में पड़ जाता है, ऐसा मुझे लगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिल्म अच्छी होगी क्योंकि जो उसका ट्रेजर देखने से मुझे और पोस्टर देखने से लग रहा है, जैसे आर्टिस्ट मैंने देखे वहाँ पर, वो आर्टिस्ट सब कुछ मेरे जानकार है, कुछ को मैं नया पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन वो देख के लग रहा है फिल्म बहुत अच्छी बनी होगी। और कोशिश करूँगा कि मैं तो खुद देखूंगा, परिवार से मैं ये कहूँगा कि सब लोग जरूर इसको एक बार जरूर देखना, और ये हमारे उत्तराखंड परिवेश की फिल्म है और इसमें जो संस्कार दिए उस संस्कार को कैसे संस्कार है क्या है वो देखने के बाद ही पूरा पता चलेगा। जहाँ तक ट्रेजर देखने से फिल्म बहुत अच्छी लग रही है और जरूर आप लोग जो भी हैं इसको जरूर देखें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। आपका शुभ नाम जानना चाहता हूँ सर मैं, आपका शुभ नाम? हाँ, मैं सुन सिंह रावत। सर कैसी लगी आज की मूवी है पहले बताइए, सबसे पहले बताइए। ये पिक्चर बहुत ही संस्कार जो है, बहुत अच्छी पिक्चर है, वो जो अभी देखने में जो आप देखोगे तो इसमें सबको शिक्षा मिलेगी। बिल्कुल, और अच्छे अच्छे आपको विचार देखने को मिलेंगे, बड़े अच्छे कलाकार हैं, अच्छी तरह से उनको भूमिका निभाई है, बहुत ही शानदार है। और मैं तो ये कहूँगा कि हर आदमी को, हर पहाड़ी को, हर जो अपने परिवार के साथ सभी आए और पिक्चर को देखें, बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। बीच में ही युवा है, अब युवा से पूछा जाता है कि मूवी कैसी लगी आपको, पहले बताओ कैसी लगी आपको मूवी बताइए। मूवी तो बहुत अच्छी है, उसकी जो स्टोरी है, स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी लगी मुझे, और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं तो बस वेट कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मूवी आए और मैं बस देख ले जाऊँ। तो कितने लोगों को रिकमेंड करोगे इसको? मैं जितने लोगों को मिलूंगा सबको कहना चाहूँगा कि वो मूवी जरूर अच्छा। अगर नंबर के माध्यम से आपको देना को बोले तो कितने नंबर आप दोगे इस टीजर को भी पहले? मैं देना चाहूँगा, चाहे तो देना चाहे, 10 में से 9। 10 में से 9, तो इतनी बेहतरीन है मतलब की? हाँ जी, बहुत अच्छी लगी। 10 to 10 जब होगा जब देख लेंगे। हाँ जी, है कि नहीं? तो अभी कैसा लगा जब यहाँ पर इतनी भीड़ थी, क्राउड था, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, और ये जानकारी बहुत अच्छा लगा कि लोगों को मूवी काफी पसंद आ रही है। जैसे आप प्रोड्यूसर के बेटे हो, क्या नाम है पहले तो? आपका नाम प्रत्यक्ष भट्ट है। तो आपके पिताजी ने जब ये मूवी बनाई है, कितना संघर्ष किया है, आप कैसे, आप भी थे वहाँ जब मूवी बन रही थी? नहीं, मैं, मेरे तब एग्जाम्स चल रहे थे। तो कैसा लग रहा है अभी आपको ये मूवी आने वाली है, तो कैसा? मूवी तो बहुत अच्छी है, और जैसे लोग, सब लोगों को भी पसंद आई, सब कह रहे थे कि वंस मोर, उस हिसाब से मैं समझ सकता हूँ, काफी अच्छी बात है, काफी पसंद आ रही है। और तो इसका हाँ, बोल बोल। जो रिव्यू है वो भी अच्छा होगा। हाँ, देखो जब टीजर अच्छा है तो मूवी भी बेस्ट होगी, तो सभी बोलो कमिंग सून आने वाली मूवी तो जल्दी जल्द देखे थे। मैं तो बस वेट ही कर रहा हूँ कि जल्दी यार मैं आप मतलब औरों को भी रिकमेंड करो, क्योंकि आप देखो जितने लोगों को मिलूंगा जरूर देखना है ये मूवी। हाँ जी, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही आप देखते रहे और अपने साथ करें हैं। तो अपने नाम? मेरा नाम उपासना है और मुझे जो मूवी का ट्रेलर है वो बहुत अच्छा लगा। तो अभी आप क्या कहना चाहोगे कि लोगों को, मतलब कैसी मूवी लगी आपको जब आप टीजर थोड़ा सा देख रहे थे, कैसा लग रहा था आपको उस टाइम? हमें तो बहुत मजा आ रहा था देखने में, ऐसे लग रहा था कि बहुत अच्छी मूवी है, बाकी जब आएगी तो देख के पता चलेगा। तो कैसी मूवी है, पारिवारिक मूवी है, संस्कारिक है, ये कल्चर से मिक्स है, दोनों सब मिक्स है, सब कल्चर संस्कार सब चीज है इसमें, और जब आएगी तो बहुत धूम मचाने वाली है मुझे लगता है। तो अभी आपको कैसा लगता है, थोड़ा सा टीजर भी देखे थे, क्या क्या एक्सपीरियंस, क्या लग रहा था कि कैसे? आप नंबर कितने दोगे? चलो चलो छोड़िए, मैं तो 10 में से
10 में से 10 थैंक यू सो मच आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 10 में से 10 दिया, बहुत बड़ी अच्छी बात है। ये सुपर डुपर हिट जाने वाली पिक्चर, आप जब लक्ष्मी होने दे दिए तो पॉसिबल होने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऐसे उत्तराखंड के अभिनेता जिसकी मैं तारीफ करूं उतनी कम है और बहुत सारी मूवियों में मैंने देखा है, आज एक नई मूवी के साथ ही आए हुए जो है संस्कार। सबसे पहले आपके नाम से मैं रूबरू करना चाहता हूं, सबसे पहले आपका नाम हिंदी में दूं, गढ़वाली में दूं, कैसे भी दीजिए आप। किस पिक्चर देखा? मेरा नाम है आनंद सुनसवाल, मैं दिल्ली में रहूं बट क्या मैं टीवी गढ़वाल उत्तराखंड में। जब आप ये मूवी बना रहे थे आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और कितना कैसे मतलब मूवी जब बन रही थी? पिक्चर बनाते हुए हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उस वक्त हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहती है कि हमें मेहनत करनी है, क्योंकि जो मेहनत हम उस वक्त करेंगे, क्योंकि आपको बता दूं मैं ये 0 डिग्री सेल्सियस पे मसूरी में बहुत ठंड में ये शूट हुआ है और किस तरीके से हमने मैनेज किया, मॉर्निंग में 4 o'clock उठना, उसके बाद शूट में, फिर जैसे कि मैंने विलन पार्ट निभाया तो उसमें मेकअप भी उस तरह का होता है, बिल्कुल सही बात, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमारा प्रयास यही था कि पूरी टीम मिलकर अच्छा काम करें और ये पर्दे पे लोगों को पसंद आए। मैं चाहता हूँ कि अगर आप ऐसी बात कह रहे हैं तो लोग सुनना चाहते हैं कि आपकी एक ऐसा डायलॉग हो जो सबको दिल को छुए और इस मूवी को देखने के लिए सभी वहाँ पहुँचे, ऐसा कोई एक डायलॉग जो? देखो डायलॉग तो बहुत सारे हैं, जो सबसे बेस्ट है आपको देखिए मणि मणि, हाँ कब आई कब जाई पथोच मणि भाई, क्या बात है सर, यही डायलॉग सुनकर सभी लोग आए। और इस मूवी को क्या कहना चाहोगे लोगों को, क्या कहना चाहोगे, रिकमेंड क्या करोगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना चाहिए? मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अपना प्यार सपोर्ट जरूर दें, इससे पहले भी जय माँ धारी देवी फिल्म आई थी उसमें मैंने धर्मदा का किरदार निभाया था, अभी रिसेंटली एक फिल्म आई है दादी को बख्शा उसमें भी मेरा जो किरदार है वो आरके का है, और ये तीसरी फिल्म है पीआर फिल्म प्रोडक्शन की तरफ से जिसमें मैं बलदेव राणा सर के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उनका छोटा भाई हूँ, और सबसे पहले तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ क्योंकि इतने बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। इस फिल्म को देखने जरूर आए, जब अगर आप आओगे हमारा हौसला बढ़ेगा तो हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन काम करते रहेंगे, फिल्में लेके आते रहेंगे। देखो सर काफी अच्छा आपने किरदार भी किया इसमें, बहुत अच्छा लग रहा था जब हम टीजर देख रहे थे उसका एक अलग आनंद आ रहा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट जाने वाली है, जब जिसका टीजर बेहतरीन है तो पिक्चर तो सुपर डुपर हिट होगी, और यही चाहते हैं कि आप ऐसी तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें और विलन के किरदार में सभी को मस्त बनाए खुश रखे हैं। एक अलग ही आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके माध्यम से ही हम पब्लिक के पास पहुंच पाती है, फिल्में हों चाहे हम लोग हों, और जनता जनार्दन है, आप लोग पहुंचाते हो जनता तक और जनता फिर हमें सपोर्ट करती है, अगर कोई अच्छी चीज बनाएंगे तो जरूर देखेंगे, लेकिन इस फिल्म के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपने टीजर देख लिया होगा, टीजर में भी लोगों ने काफी वंस मोर की रिक्वेस्ट की है, बिल्कुल, तो फिल्म में आपको इससे बहुत भयंकर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ड्रामा एक्शन सब चीज इसमें मिलेगी आपको। तो थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि हम संस्कार से जुड़ना चाहते हैं क्योंकि उत्तराखंड वाले थोड़ा संस्कार को भूल चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ इस मूवी को देख के थोड़ा संस्कार इनको याद आ जाए। इसमें सबसे बड़ा धन्यवाद जाता है पीआर फिल्म प्रोडक्शन के निर्माता प्रेम सिंह जी और राजेंद्र भट्ट जी का, जिन्होंने इतनी प्यारी फिल्म बनाने के लिए पूरा संघर्ष किया है, और सभी आर्टिस्टों का, और सभी हमारे जो डायरेक्टर हैं ब्रिजावत सर, राजनेगी सर, मनोज सती जी, बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना सबका योगदान दिया है, पर्दे के पीछे पर्दे के आगे, तो बस यही कहूंगा कि आप लोग आइए सिनेमा हॉल में, सितंबर के महीने में फिल्म लगने वाली है, किस डेट को लगेगी ये जल्दी बता दिया जाएगा, बट टीजर और पोस्टर आप देख सकते हैं तो मजा आने वाला है, और अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कीमती समय दिया और आपने बातें बताई, बहुत अच्छा लगा। इस मूवी को देखने के लिए जल्द जल्द वहाँ पहुंचे जब सितंबर में लगेगी, अभी कमिंग सून जरूर है लेकिन जब जाएगी तो धमाकेदार आने वाली है, ठीक है? धमाकेदार। तो थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको हमें समय देते रहे। जय उत्तराखंड, जय भारत। थोड़ा सा यहाँ पर काफी अच्छा रहती है महोत्सव का बना पड़े, और आज यहाँ पे कलाकार अच्छा कैसा लगा आपको ये टीजर? अभी बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, क्या कहोगे इसको? सिनेमाघर में लगेगा जब सितंबर में लगने वाली है, हम अपने सब लोगों के साथ देखने के लिए आएंगे यहाँ पे। कितने लोगों को लेके आओगे आप? बहुत लोगों को, सारी मंडलियाँ हैं अपने साथ। किस नाम से मंडलियाँ बनाई? हमारी कितनी मंडलियाँ हैं? अच्छा।
वेस्टर्न में सभी को रिकमेंड करोगे कि जरूर इसको देखें। बिल्कुल, ये मेरे भाई प्रेम सिंह की, मेरा भाई है, छोटा भाई, तो उनकी ये संस्कार मूवी आ रही है। उनकी संस्कार मूवी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, संस्कार जिसका नाम ही संस्कार है। हाँ, तो इसलिए हम सभी लोग देखने के लिए आएंगे और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको कैसे लगी ये मूवी बताइए। अभी मूवी के लिए तो आई एम वेरी एक्साइटेड 21st को जब आएगी, और प्रोमो का तो इट वाज सो नाइस, मैं बहुत एक्साइटेड थी इसके लिए। एंड मतलब मुझे लगता है मूवी बहुत अच्छी होगी क्योंकि उसमें एक्टिंग, उसमें साउंड क्वालिटी, सब कुछ, एवरीथिंग वाज सो नाइस। मतलब मैं तो बस मैं वेट कर रही हूँ मूवी के लिए। और कंग्रेचुलेशन टू द होल टीम, टू ऑल द एक्टर्स एंड टू द होल टीम, थैंक यू सो मच। तो अभी हम मिलते हैं पीआर फिल्म के, अरे जाइए सर बताइए, कुछ दो बाइक हो जाए प्यारी प्यारी, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, अभी तो बहुत अच्छी बात है। चलो आइए, दो बात बताइए ना सर, दो बातें सर आज की फिल्म के बारे में बताइए, कैसी होने वाली मूवी और कब तक आने वाली है। हमने पूरी कोशिश की थोड़ा डिफरेंस करने का, जिस तरह से भी उत्तराखंड की फिल्म आ रही थी उससे थोड़ा हमने थोड़ा डिफरेंस किया है। होपफुल कि आप सबको ये पसंद आएगा, और मैं आपके चैनल के माध्यम के आपने जितने भी आपके सब्सक्राइब फॉलोअर्स हैं उनको हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं हां से लोग कह रहे भाई वंस मोर, हां जब टीजर वंस मोर है तो पिक्चर कितनी वंस मोर होने वाली, हां जब फिल्म तब पता चलेगा, दर्शक एक वंस मोर देखने आएंगे तो पता चलेगा। हमारी पूरी हां जी हां, तो आपने आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर फिल्म देखने आए। थैंक यू सर। कब तक लगने वाली है, कौन से हॉल पे? हां ये 20 सितंबर को लगेगा विकास मॉल द्वारका में, और सिनेपोलिस वीत्रस मॉल लक्ष्मी नगर, और जयपुर या मॉल इंद्रपुरम में। तो सभी से रिकमेंड यही गई कि जल्द से जल्द वहाँ पहुँच के देखिए, सितंबर के महीने में आपको नई चीज मिलने वाली है, संस्कार, सबको संस्कार देने वाले हैं। जी, जी, नाम संस्कार है, फिल्म में हमने एकदम संस्कार बोला, बांटेंगे इस बात में। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, आपको बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, हम संस्कार से जोड़ के रख रहे हैं आप हमें, ये भी सबसे बड़ी बात है सर। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत धन्यवाद। ये आपकी बेटी सर, अच्छा ये बेटी बहुत अच्छी बात है, अच्छी होना चाहिए और परिवार है, क्या बोल रहे बहुत कैसे लगे बेटा आपको? अच्छा अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा आपको, क्या अच्छा लगा? माइक अच्छा लगा, अरे यार माइक तो अभी अच्छा है यार। आपको कैसी लगी पहले मूवी बताइए। मूवी तो बहुत ही अच्छी थी, मतलब जो भी टीजर देखा तो ऐसा लगा कि जितना भी जो भी कल्चर था उसको आगे लाने की कोशिश की गई है। तो जैसे बॉलीवुड और पंजाबी मूवीज का जमाना है, पर गढ़वाल इंडस्ट्री उतना भी पीछे नहीं रह रही है। उसके गाने तो लोगों को पसंद आ ही रहते हैं, पर पीआर प्रोडक्शन का एक बहुत ही अच्छा कोशिश रहा है कि उसको बड़े पर्दे पर लाया गया। तो टीजर देख के तो मजा ही है, जैसे वंस मोर सबने सुना था, अब यही उम्मीद रहेगी कि आगे भी मूवी हॉल में आए और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखने जाएं कि वहाँ का जो कल्चर है, जो कि ऑलरेडी हमारे देश का एकदम ब्यूटीफुल कल्चर है, वो आगे आ पाए। तो ऐसे ही बड़ी मूवीज बनती हैं। तो आपको रिकमेंड क्या करना चाहोगे लोगों के, मतलब क्या कहना चाहोगे इस फिल्म को देखने के लिए, क्या कहना? मैं तो ये देखना चाहूंगा कि सिर्फ आपके स्टेट का नहीं, कोई भी कल्चर, कोई भी स्टेट का कोई भी प्रोड्यूसर हो तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम मतलब जो सितंबर के महीने में सबको संस्कार बटने वाला है, जी जी बिल्कुल, मूवी के माध्यम से संस्कार लीजिए। जी बिल्कुल, मुझे तो उतना समझ में जी बिल्कुल बिल्कुल, देखने जाएंगे मूवीज को और कोशिश रहेगा कि थिएटर भरे और बॉलीवुड के जितना आगे आ पाए। थैंक यू, ठीक है। संस्कार फिल्म का जो है दिल्ली में जो है उससे नहीं पा रहे, क्या सहयोग लोगों का यहाँ पे मिला, देखने को मिला, क्या लगता है? बिल्कुल खरी उतरी, क्योंकि ये फिल्म में बहुत बड़े बड़े शानदार कलाकारों ने काम किया, और जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं बड़े ही सुलझे हुए हैं, ब्रिज रावत जी और राजू नेगी जी। मैं समझता हूं कि फिल्म्स, बहुत सारी फिल्म्स आ रही हैं उत्तराखंड में जो रिलीज हो रही हैं, सभी लोग अपने अपने कैलिबर को देखते हुए अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, और हम लोगों ने अपना प्रयास किया है। और मैं समझता हूं कि ये फिल्म जब आएगी सिनेमा हॉल्स में तो जो मेरे चाहने वाले हैं, दर्शक हैं, उनको जो शेड्स देखने को मिलेंगे, जो शेड्स उन्होंने अभी तक मेरी एक्टिंग में नहीं देखे होंगे, इस फिल्म के द्वारा उनको वो शेड्स देखने को मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इतने सारे लोग मुझे प्यार करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा प्यार मिलेगा इस फिल्म के द्वारा। जी बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि फिल्म मेकिंग एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी नहीं कर सकता। फिल्म मेकिंग के लिए आपको 2 घंटे 2.5 घंटे का जो एक पीरियड होता है, उसमें कोई भी ऐसा, कोई मैं समझता हूँ कि
कोई नौसिखिया फिल्म नहीं बना सकता। फिल्म वही बनाएगा जिसको सेंस होगा, जिसका विजन क्लियर होगा। तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंडी सिनेमा काफ़ी राइज कर रहा है और आने वाले 4 से 5 साल में हम लोग बहुत हाइट को अचीव करने वाले हैं। और मैं इसके लिए अपने दर्शकों को थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि दर्शकों के बिना हम कुछ नहीं है। हम लोग सिर्फ एक अच्छा कंटेंट, अच्छी मूवी बना सकते हैं, लेकिन फिल्म को सुपरहिट बनाने में दर्शकों का बहुत बड़ा हाथ होता है। और वो लोग जब माउथ पब्लिसिटी करते हैं तो घर घर जब बात जाती है कि ये फिल्म बहुत अच्छी बनी तो लोग देखने के लिए आते हैं। तो मैं अपने दर्शकों का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग उत्तराखंड सिनेमा में अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जी जी, पहली फिल्म है, कितनी उम्मीदें आपको और इस पीआर प्रोडक्शन से? देखिए, प्रेम भाई और राजेंद्र प्रसाद भट्ट जी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। वो दोनों सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं है, वो दोनों बहुत अच्छे इंसान भी हैं और हमें बहुत प्यार करते हैं, खासकर मुझे बहुत प्यार करते हैं दोनों भाई। तो उनकी बड़ी रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी, विश थी कि मैं फिल्म का हिस्सा बनूं। तो फाइनली मैं फिल्म का हिस्सा बना और उनके जो प्रोडक्शन है, पीआर फिल्म्स प्रोडक्शन का जो सॉन्ग्स रिलीज होते हैं वो भी बड़े अल्टीमेट होते हैं। और पहली फिल्म है, और पहली फिल्म में मैं समझता हूँ कि उन्होंने पहली बॉल पर छक्का मारा है। मैं समझता हूँ 25 साल से ज़्यादा का लंबा सफर आपका हो गया जी, जब से फिल्म इंडस्ट्री और एल्बम की शुरुआत हुई, जब से आप लगे जी, अभी तक जो है आप अपने काम से संतुष्ट हैं या अभी भी आपको लगता है कि और भी बहुत कुछ करना है? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, मैं सच बता रहा हूँ आपको। मैंने फिल्म तो बहुत सारी कर ली, ये मेरी 18वीं फिल्म होगी। सेटिस्फाइड इसलिए नहीं हूँ क्योंकि बहुत सारे शेड्स मैं समझता हूँ मेरे अंदर अभी बाकी हैं, लेकिन वो फिल्म के कंटेंट के द्वारा बाहर निकलते हैं। लेकिन जब फिल्म में हीरो के रोल को एक बांध दिया जाता है कि आपका करेक्टर इस टाइप का है, तो आप अपना कैलिबर ज्यादा नहीं दिखा पाते। तो मैं समझता हूँ कि मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ, अभी एक्चुअल संजू सिलोड़ी दिखना बाकी है। देखिए, मैं ये बोलूंगा, मैं सच बोलना चाहूंगा, मैं नहीं समझता कि मैं बॉलीवुड को डिजर्व करता हूँ। हाँ, मैं सीरियल्स जो सीरीज होती हैं, स्टार प्लस, जी टीवी, ये जो सीरीज होती हैं उसमें शायद ज़रूर मैं फिट हो जाऊं, लेकिन मैं फिल्म्स के लिए अपने आप को डिजर्व नहीं करता हूं, ये मेरा थॉट है। काफ़ी लोगों का मानना है कि संजू सिलोड़ी बहुत अच्छे एक्टर हैं, डांसर हैं, आपको बॉलीवुड में जाना चाहिए, अगर आप बॉलीवुड में आ गए तो हमारा उत्तराखंड का नाम और ऊँचा हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि अपने बारे में सबको पता होना चाहिए कि आपके अंदर कितना कैलिबर है, कितनी स्ट्रेंथ है। तो मैं समझता हूँ, और जब मुझे मौका मिलेगा कभी हिंदी सीरियल्स में या कहीं हिंदी सिनेमा में काम करने का, तो मैं डेफिनेटली मैं भी पीआर फिल्म प्रोडक्शन की तरह पहली बॉल पे छक्का मार गया हूँ। भाई, जितना से आप लगातार एल्बम और फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, नए बच्चे आ रहे हैं, नए नए कंपनीज आ रही है, इस कदम को कैसे देखते हो, क्या लगता है उज्जवल भविष्य है? देखिए, भविष्य तो बहुत उज्जवल है, लेकिन प्रोड्यूस करना अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। वही बात जो अभी हमारे एंकर साहब कह रहे थे कि एक फिल्म बनाने से कुछ नहीं होगा, और इसीलिए आपको पहली फिल्म ही बड़ी शानदार बनानी पड़ेगी ताकि लोग उसको एक्सेप्ट करें और आप दूसरी फिल्म बना सकें। तो नए प्रोड्यूसर आना तो बहुत अच्छी बात है कि उनका वेलकम है, लेकिन मैं समझता हूँ उनको ये माइंड में थॉट लेकर आना चाहिए कि पहली फिल्म में ही वो बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, समय लगता है। पीआर फिल्म्स को भी आज से 3 से 4 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में, हमें भी 20 से 25 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में। तो जो नए प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम है, वो आइए, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आइए, अच्छी स्टार कास्टिंग लीजिए, अच्छे डायरेक्टर्स को लीजिए, अच्छी फिल्म्स बनाइए। आफ्टर जो पोस्ट प्रोडक्शन होता है फिल्म का, वो ज़्यादा मायने रखता है। मैं समझता हूँ फिल्म तो कोई भी बना देगा, बाद में लोगों को पहुँचाना, थिएटर तक खींच के लेके आना, वो बड़ी बात है। तो मैं न्यू इन्वेस्टर्स को ये बोलना चाहूँगा कि आप आइए, मोस्ट वेलकम, लेकिन माइंड सेट करके आइएगा कि पहली बॉल पर ही बहुत कुछ नहीं होने वाला है। ये टेस्ट क्रिकेट है, पहले टेस्ट चलेगा, फिर वनडे चलेगा, फिर T20 होगा। तो मैं ऐसा समझता हूँ। अंतिम सवाल भाई जी, लगातार आप जो है सुपरस्टार बने हुए हैं, लेकिन आज भी आप अपनी पोजीशन को जो है संभाले हुए हैं, लगातार सुपरस्टार हैं आप उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री के, आज भी लोग जो है आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं, सभी दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे और फिल्म आ रही है उसके लिए क्या संदेश है? अपने दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि मुझे कभी एहसास नहीं था कि मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा। मैं ये समझता हूँ, मेरा मानना है, ये मेरा अपना परसेप्शन है कि उत्तराखंड में किसी एक्टर को इतना ज़्यादा प्यार नहीं मिला जितना मुझे मिला है, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और मैं समझता हूँ कि मेरे संग मेरे माँ पिताजी पितरों का आशीर्वाद है, और मेरे बड़े भाई सागर सिलोड़ी जी मेरे गॉडफादर हैं, उनका आशीर्वाद है। मेरे दर्शक जो मेरे फैंस हैं उनका तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे करियर में, कि उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, उन्होंने मेरी डांसिंग स्किल्स को, एक्टिंग स्किल्स को पसंद किया। दैट्स व्हाई मैं आज यहाँ पर अभी भी खड़ा हूँ, उसी पोजीशन पर बरकरार हूँ, और मैं इसमें अपना क्रेडिट नहीं लूँगा। मैंने आज तक जितने प्रोजेक्ट करे हैं, जितने लोग मेरे संग जुड़े हैं, सारा क्रेडिट उनको जाता है, मुझे नहीं जाता। और संस्कार फिल्म मैं समझता हूँ बहुत सुपरहिट होने वाली, क्योंकि मेकिंग आपको देखने में मज़ा आएगा।
किस तरह से सिनेमा घर पे आप बनाएंगे, संदेश सभी को, मैसेज सभी। बिल्कुल, मैं बस ये बोलूंगा कि जितने भी मेरे चाहने वाले हैं और जितने भी इस फिल्म में और कलाकार हैं उनके चाहने वाले हैं, मैं चाहूँगा आप लोग फिल्म देखने आइए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी फिल्म को देखने जाते हैं और आप निराश होकर घर आते हैं, आपको इस फिल्म में मज़ा नहीं आता या वो चीज़ जो देखने गए वो नहीं मिलता। मैं ये बोल सकता हूँ आपको इस फिल्म में हर शेड देखने को मिलेगा, हर चीज़ देखने को मिलेगी, जिससे आपको खुशी होगी कि यस अब उत्तराखंडी फीचर फिल्म बहुत अच्छे लेवल पर जा रही हैं। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, मैं समझता हूँ 5-6 साल में मैं उत्तराखंडी सिनेमा को बहुत हाइट पर देखता हूँ। सो मैं आप सभी का थैंक्स करना चाहूँगा। जय उत्तराखंड, जय धरती मां, लव यू ऑल। सभी दगड़ियों भाई बहन दोस्तों नमस्कार। तो आज मैं यूके पहाड़ी ब्लॉग्स आपके बीच में हूं और मैं आज ऐसी जगह पर आया हूं जहां लगी है मूवी जिसका नाम है संस्कार। तो संस्कारों के लिए आज हम उत्तराखंड से हर जगह जगह नाने जगह पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर का संस्कार जो है भूल गए हैं। तो उस संस्कार को जगाने के लिए आज हम लेकर आए हैं आपके बीच ऐसी मूवी जो उस पूरे संस्कार से भरी हुई है और बहुत ही इसमें किरदार भी हैं, जिसमें हमारी निर्माता जो है हमारे प्रेम सिंह जी हैं और साथ में राजेंद्र बिष्ट जी हैं और ब्रिजमोहन रावत जी, राजू नेगी, और एक कहानी जो है स्वयं पदम गोसाई जी की है जो संगीत सजत के है, जो गीत के माध्यम से गोसाई जी ने जो एक अच्छा सा एक माहौल बना रहा था उस टाइम उत्तराखंड का। तो पदम गोसाई एक हमारे बहुत बेहतरीन गायकार थे जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर हमारे दिलों में हमेशा वास करते हैं और जहाँ भी हैं हम से ये कहेंगे कि आपके जो ये संस्कार आपने दिए हैं सभी लोगों के अंदर बांटे हैं, तो वो संस्कार को आगे बढ़ाने का कर्तव्य हम लोगों का है। और आज एक बहुत बढ़िया यहाँ पर क्राउड, अभी धीरे धीरे क्राउड पूरा होने वाला है, भरने वाला है, तो आज की फिल्म जो बड़ी मस्त होने वाली है, देखने वाला लाइक है। तो ज़्यादा बातें करते हैं, चलते हैं। Heart's racing, trying to hit a lick right now. So you know I can't come outside. I can see the